प्रवर्तन निदेशालय की जयपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। अप्पू घर की जमीन को कुर्क किया है। प्रवर्तन निदेशालय की गुरुग्राम क्षेत्रीय इकाई ने अटैचमेंट की कार्रवाई की। अप्पू घर की प्रमोटर कंपनी के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर यह एक्शन हुआ है। धनशोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA में ईडी की कार्रवाई हुई। चलिए ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जुड़ गए हैं। विमल जी, इस पूरी ईडी की कार्रवाई को जो कि PMLA के तहत की गई है, बताइएगा कैसे ये पूरी कार्रवाई की गई है और अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया? देखिए, अब तक की कार्रवाई में जहाँ तक जयपुर से रिलेटेड या राजस्थान से रिलेटेड जमीनों की बात करें तो जयपुर के आमेर तहसील में दौलतपुरा गांव के पास में 218 एकड़ जमीन पर जो अप्पूगढ़ बनना था, उस अप्पूगढ़ संचालित होना है, उस अप्पूगढ़ को ईडी ने जब्त कर लिया है, ईडी ने कुर्क कर लिया है। इसमें जो पूरी कहानी है वो ये है कि ईडी की जो गुड़गांव क्षेत्रीय इकाई है, इसके अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है और इस कंपनी का जो मेन जो इसकी प्रमोटर कंपनी है, इंटरनेशनल एम्यूजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी, जो प्रमोटर कंपनी है इसकी अप्पूगढ़ की, इस प्रमोटर कंपनी के खिलाफ गुरुग्राम में एक शिकायत है, प्राथमिकी दर्ज है, जिसमें 1500 निवेशकों से 400 करोड़ रुपए से अधिक हड़पने का आरोप लगा हुआ है। ईडी ने इस प्राथमिकी को आधार बनाकर PMLA कानून, जो धन शोधन निवारण अधिनियम होता है, इस कानून के अंदर कार्रवाई की है और कुल 218 करोड़ रुपए से अधिक की, जो 219.18 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को अब तक अटैच किया है। जो संपत्तियां अटैच की गई है उसमें नोएडा में कॉमर्शियल जमीनें भी हैं, कॉमर्शियल जो एक मॉल है उस मॉल के अंदर अनसोल्ड जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है 3,93,737.28 वर्ग फीट, जिसका आकार बताया जा रहा है, इसको भी जब्त किया है। और ये पूरा जो मामला है इसमें यही है कि जो इसकी प्रमोटर कंपनी है इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड, इस कंपनी ने जो 1500 निवेशकों के साथ में धोखाधड़ी की थी, निवेशकों को ये झांसा दिया गया था कि उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर मकान मिल जाएंगे, गुरुग्राम के सेक्टर 29 और 52A में दुकान अथवा स्थान मिल जाएंगे, और इसके अलावा जो पैसा ये जमा कराएंगे उन पैसे के ऊपर इनको मासिक प्रतिफल मिलेगा। लेकिन ये सब केवल और केवल झांसे थे, लोगों के करोड़ों रुपए इस कंपनी के निवेशकों ने ले लिए और अपने वादे पे पूरे नहीं उतरे। अब इसके ऊपर ईडी ये कार्रवाई कर रही है। जी शिखा जी, ठीक है विमल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।